अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके झासर की साइंस का, केमिस्ट्री का, रेडियो एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव सेक्शन हम लोग लगाएंगे। थ्योरी सेक्शन इसके पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, पिच ब्लेड किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा बी, यूरेनियम से। यदि आप लोग थ्योरी सेक्शन अच्छे से लगाए होंगे तो आप ऑब्जेक्टिव आसानी से लगा पाएंगे। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, पिच ब्लेड से। परमाणु बमों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा हिदेकी युकावा के द्वारा परमाणु बम के सिद्धांत की खोज की गई थी। एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज की गई, जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वह है? इसका सही आंसर होगा डी, यूरेनियम का। यूरेनियम का जो होता है परमाणु संख्या जो होता है यूरेनियम का 92 होता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, नाभिकीय बल। परमाणु के भीतर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल को नाभिकीय बल कहा जाता है। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, नाभिकीय ऊर्जा। परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है? इसका सही आंसर होगा ए, सूर्य में जो होती है परमाणु संलयन की क्रिया होती है वो सूर्य में होती है, जो हाइड्रोजन और हीलियम का मुख्य स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी, टाइटेनियम, जबकि थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम ये सभी रेडियो एक्टिविटी तत्व है। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियम का। रेडियम की खोज के लिए मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं की संयोजन की अणुओं को निर्माण होता है? इसका सही आंसर होगा सी, विद्युत स्थैतिक बल। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है सी, हेनरी बेकवेरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की आविष्कार किया गया था। हेनरी बेकवेरल इनमें से किसकी खोज के से संबंधित हैं? इसका सही आंसर होगा बी, रेडियो धर्मिता के। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन 71% और हीलियम पाया जाता है। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ गैसों का एक गोला है। भारत में अपने पहले परमाणु उपकरण की परीक्षण कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर होगा ए, भारत में पहले परमाणु उपकरण की परीक्षण पोखरण में किया गया था, जो कि 1974 में, जिसका कि ऑपरेशन कोड था स्माइलिंग बुद्धा। एक हाइड्रोजन एटम कितने न्यूट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के एटम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। परमाणु रिएक्टर में विखंडन की प्रतिक्रिया के दर को
दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, उस विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। इसका सही आंसर होगा डी, कैडमियम। डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था। इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा एटम बम का आविष्कार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा डी, D2O, भारी जल। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु ऑपरेशन का कोड क्या था? ये 1998 में पूछा गया है, जबकि पहला जो ऑपरेशन हुआ था, पोखरण परीक्षण जो हुआ था, 1974 में किया गया था, जिसका कोड लाफिंग बुड्ढा था, लेकिन यहाँ 1998 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति दूसरे पोखरण परीक्षण जो किया गया था, परमाणु परीक्षण जो किया गया था, उसका कोड जो था, ऑपरेशन का कोड जो था, ऑपरेशन शक्ति था। मुस्कुराते बुद्धा स्माइली बुद्धा किसके लिए कोड नाम था? तो भारत के द्वारा 1974 में किए गए पोखरण प्रथम के परमाणु परीक्षण के लिए जो कोड था वो स्माइलिंग बुड्ढा था। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मास और एक इलेक्ट्रॉनिक नंबर 1-1 होता है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कुछ भी नहीं होती है। अब दिया हुआ है एक परमाणु रिएक्टर को नियंत्रण रोड कैडमियम की रोड क्या करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है, वो है काम कैडमियम का। मुंबई परमाणु ऊर्जा संस्थान पुनः नामांकन किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? इसका सही आंसर होगा होमी जहांगीर बाबा के द्वारा के नाम पर सम्मानित किया गया था। इक्का सिलिकॉन जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा जर्मेनियम। अल्फा बीटा गामा किरणों की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम में सजाएं। तो सबसे ज़्यादा अगर भेदन क्षमता की बात की जाए तो होता है गामा किरण की, फिर उसके बाद बीटा किरण की, फिर उसके बाद अल्फा किरण की। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा गामा बीटा अल्फा, और ये किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। इसका आंसर हो जाएगा बी। ये आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बीटा किरण। बीटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है। कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु को निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर होगा ए, जीवाश्म की आयु के अध्ययन के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यूरेनियम डेटिंग विधि के लिए चट्टानों के लिए किया जाता है। चट्टान पृथ्वी की आयु को पता लगाने के लिए किया जाता है। कार्बन तिथि यानी कार्बन तिथि निर्धारण के लिए कार्बन में से कौन सा समस्त प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन 14 पद्धति। इसका आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला दिया हुआ है तत्व और उसके प्रयोग, ये तत्व दिया हुआ और प्रयोग से मिलान करना है। तो यूरेनियम का समस्थानिक जो होता है नाभिकीय ईंधन में उपयोग किया जाता है, जबकि कोबाल्ट का समस्थानिक जो होता है वो कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। आयोडीन समस्थानिक जो होता है गलकंड के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और रेडियो का समस्थानिक जो होता है द्वितीय कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है।
डैश की खोज के बाद में हुई थी और इक्का इक्का सिलिकॉन में बदल दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। इसका आंसर इज सी, जो कि अर्धचालक है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा बेक्यूरल और क्योरी। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्योरी और बेक्यूरल दोनों होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर इज डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आयोडीन 131 थायराइड अवरोध का उपचार, ये बिल्कुल सही है। आयोडीन 32 श्वेत रक्त तथा उपचार, ये भी बिल्कुल सही है। गोल्ड 198 रेटिना दोष के उपचार के लिए भी सही है। जबकि कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल जो होता है, अभी जस्ट इसके पीछे हम लोग पढ़े हैं, कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए गलत है, शरीर के अंतर्गत के अवरुद्ध के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा से में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। इसका सही आंसर होगा सी, गामा किरण। कोबाल्ट 60 जो है आमतौर पर विकिरण में चिकित्सा के रूप में कैंसर में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आमतौर पर यह गामा किरण उत्सर्जित करता है। एक परमाणु रिएक्टर नियंत्रण रोड कैडमियम की रोड क्या काम करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था? इसका सही आंसर होगा ए, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा एटम बम का आविष्कार किया गया था। परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से होती है? इसका सही आंसर होगा ए, सूर्य से होती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नाभिकीय संलयन के द्वारा। हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता का रूप मानी जाती है? इसका सही आंसर होगा बी, गुरुत्वाकर्षण के तरंगों का पता लगाना। परमाणु रिएक्टर में विखंडन की प्रतिक्रिया के दर को कम करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, ताकि विखंडन बिना टूटे न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कैडमियम। परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है। परमाणु विखंडन जो होता है एक भारी नाभिक के उपखंड है। इसमें परमाणु विखंडन में क्या होता है, एक भारी धातु दो अलग अलग धातु में टूट जाते हैं। जबकि परमाणु नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो छोटे छोटे धातु मिलकर एक बड़े धातु का एक भारी धातु का निर्माण करते हैं, वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाते हैं। और नाभिकीय विखंडन में जस्ट इसके विपरीत होता है। 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम शुद्ध करने के लिए एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया था। उनके इस कार्य प्रोजेक्ट का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा मैनहट्टन परियोजना था। वर्ष 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? इसका सही आंसर होगा सी, ऑपरेशन शक्ति, जो कि यह दूसरा पोखरण परीक्षण था। पहला 1974 में हुआ था, जिसका ऑपरेशन कोड था लाफिंग बुड्ढा। मुस्कुराते बुद्ध किसके लिए कोडित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण के लिए। तो इस तरह से इसका ऑब्जेक्टिव रेडियो एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव सेक्शन भी समाप्त हो गया। तो यदि आपको यह सेक्शन अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।